नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल क्यों। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 4 है। दोस्तों, सारे पार्ट को आप जरूर देखिएगा, पिछला पार्ट अगर नहीं देखे हो तो उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्नों की पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका क्या होता है सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 × 3 + 5, ठीक है, 6 × 3 + 5 बराबर क्या दे रहा है दोस्तों, 10। और फिर आगे कह रहा है, 8 × 2 + 5 बराबर 20 हो तो 4 × 2 + 8 बराबर क्या होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है, प्रश्न का आंसर यहीं देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो पहले आपको करना क्या है, पहले तो देखेंगे इतना बराबर 10 कैसे लिखा है, इतना बराबर 20 कैसे लिखा है। जैसे ये दोस्तों 10 लिखा है, जैसे ये करके 20 लिखा है, उसी प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह पे भी इसकी वैल्यू लाएंगे। तो देखिए, आपको समझा रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, आप ऐसे नहीं 6 × ऐसे नहीं करेंगे, 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18। 18 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 23 हो जाएगा, ठीक है। 18 में 5 जोड़ेंगे 23, लेकिन दिया क्या है दोस्तों 10। अगर जो इधर कहूं दोस्तों 8 दुना के क्या हो जाएगा 16, और 16 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 5 21 होगा, लेकिन यहां दिया क्या है दोस्तों 20 दिया, ठीक है। तो आपको प्रश्न को ऐसे नहीं सॉल्व करना है, प्रश्न में यह चीज रीजनिंग का अगर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन होता तो हम ऐसे सॉल्व करते जैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है यहां पे, यानी 6 × 3 + 5 को आप जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करके यहां ऐसे भी 10 लाइए, और उसी प्रकार से देखिए यहां पे 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर से उसी प्रकार से दोस्तों हम इसकी वैल्यू बताएंगे। तो देखिए, इसको करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको बता दूं दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करने से पहले, देखने से पहले क्या किया करिए, वीडियो को पॉज करके नहीं, स्टॉप करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करिए। अगर जो दोस्तों आपसे नहीं सॉल्व होता है, तब आगे आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं बताऊंगा जब आप, तब क्या होगा दोस्तों, आप अच्छे से समझ लेंगे और कभी उस प्रश्न को नहीं भूलेंगे, उस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज आप जरूर क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश क्या करिए। देखिए, मैं बता रहा हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, 6 × 5 कर देंगे आप, 6 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, और 30 को क्या करना है दोस्तों, 3 से भाग करना है, जो बीच में संख्या दिया है ना उसको क्या करना है, नीचे रख देना है, 3 से भाग करना है, तो 3 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, और देखिए 10 यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, 8 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और 40 को किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये बीच में संख्या 2 दिया है ना, 2 से भाग करेंगे, तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 40 2 से 20 बार में, और देखिए बराबर में 20 दिया हुआ है। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, 4 × 8 करेंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 को क्या करेंगे दोस्तों, 2 से भाग करेंगे, 32 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। अब देखिए 16 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, एक चीज और बता दूं, लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा रीजनिंग का, जो पिछले पार्ट में कराया हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर जो दोस्तों आप नहीं कमेंट कर पा रहे हैं, तो पिछला पार्ट भी आप देख के उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है, वो एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उसे आप दोस्तों आंसर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का आप पेपर देखेंगे, रेलवे या एसएससी किसी का भी देखेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है,
कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को बताती है? तो देखिएगा दोस्तों, आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न कभी भी सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, अब पहले भी बताऊं और फिर से बता रहा हूं, सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो इसमें दोस्तों शब्द दिया रहता है, जैसे इसमें क्या दिया है, न्यायाधीशों दिया है, चोरों दिया है और अपराधी, यानी न्यायाधीश, चोर और अपराधी दिया है, और इन्हीं के बीच क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, संबंध पूछ रहे हैं, कैसे संबंध होगा। तो देखिए वेन डायग्राम के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो ये शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों पे आप दोस्तों क्या करेंगे, विचार करेंगे कि इनका एक दूसरे से आपस में क्या रिलेशन कैसा है, आपस में इनका रिलेशन कैसा है। तो देखिए कैसे सोचना है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको इस टाइप से सोचना है, न्यायाधीश का संबंध दोस्तों चोर से है होता है कि नहीं, न्यायाधीश का संबंध अपराधी से होता है कि नहीं, यानी क्या न्यायाधीश चोर होता है या अपराधी होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो आप बोलेंगे ना न्यायाधीश दोस्तों ना चोर होता है ना अपराधी होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड वर्ड पे जाएंगे, चोर पे जाएंगे, ठीक है, जो चोरों वाला है ना, क्या दोस्तों चोर न्यायाधीश होता है या चोर अपराधी होता है? तो आपके दिमाग में आएगा दोस्तों चोर जो होते हैं वो अपराधियों के अंतर्गत आते हैं। चोरों किसके अंतर्गत आते हैं, जो चोर होते हैं किसके अंतर्गत, अपराधी, क्योंकि चोरी जो करता है वो एक अपराध करता है, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले पे जाएंगे, अपराधी क्या होते हैं, अपराधियों के अंतर्गत चोर आ जाएगा, ये तो क्लियर है। अपराधी के अंतर्गत न्यायाधीश आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, यानी उल्टा सीधा आप कैसे भी सोचिए, ठीक है, बस इतना सोचने की आप दोस्तों क्या रखिए, आप क्षमता रखिए कि मतलब कि प्रश्न को हम ऐसे सोचेंगे कि इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, बस ये चीज आपको करना है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अपराधियों के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, चोर आते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो इसका एक सर्कल बनाएंगे, किसका, अपराधियों का, इसके अंतर्गत क्या रखेंगे दोस्तों, चोरों को रखेंगे, और न्यायाधीश क्या होते हैं, ना चोर होते हैं ना अपराधी होते हैं, न्यायाधीश क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में आपको वेन डायग्राम नजर आ रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, अपराधियों के अंतर्गत क्या रखेंगे, चोरों को रखेंगे, और न्यायाधीशों को कहां रखेंगे, बाहर रखेंगे, यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कैलेंडर से है, और इसके लिए दोस्तों मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा, कैलेंडर का सिंपल क्वेश्चन है, और इससे भी हार्ड क्वेश्चन जो होगा दोस्तों उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे आपको कवर कराता रहूंगा। जैसे जैसे दोस्तों पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैलेंडर से आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं थोड़े थोड़े लेवल उठाता जाऊंगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या करे, बिना पेन उठाए ये सब प्रश्न सॉल्व होता है। प्रश्न है, यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक जनवरी को दोस्तों क्या पढ़ रहा है, दोस्तों एक जनवरी को क्या पढ़ रहा है, सोमवार पढ़ रहा है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है दोस्तों, एक फरवरी को, किसको दोस्तों, एक फरवरी को पूछ रहा है कि कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक जनवरी से लेके एक फरवरी के बीच टोटल दिन देखेंगे कितने हैं, ठीक है। तो जनवरी कितने दिन का महीना होता है, जनवरी जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है, ये बताना है, ठीक है, 31 दिन का होता है। तो एक जनवरी को नहीं काउंट करेंगे, एक जनवरी को तो बोल ही दिया है सोमवार, ठीक है। अब बचा दिन इसमें कितना है दोस्तों, 30 दिन बचा है, और फरवरी में कितने तारीख को पूछ रहा है, फरवरी में कितने तारीख को, फरवरी में प्रथम दिन पूछ रहा है, यानी एक फरवरी को, फरवरी में एक दिन, 30 और एक को जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, इसके कितने दिन आ रहा है, जो गैप आ रहा है ये कितना दिन, 31 दिन, 30 और एक को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। इसी 31 को क्या करेंगे दोस्तों, सप्ताह से भाग करेंगे, सप्ताह मतलब 7 से भाग करेंगे, ठीक है। देखिएगा सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, एक एक दिन नहीं जोड़ कैसे लिखना है कि फर्स्ट जनवरी को सोमवार है तो सेकंड जनवरी को मंगलवार, ऐसे नहीं आपको करना है, ठीक है, बस आपको क्या निकालना है, इनके बीच का दिन निकालना है। फिर क्या करना है दोस्तों, 7 से भाग करेंगे, 7 से 31 को भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, और 31 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये दोस्तों जो शेष आया ना, शेष कितना आया है दोस्तों, 3 दिन आया है। देखिएगा ये जो शेष 3 दिन आया है, इसी को हम क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, फरवरी का पहला दिन आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या आएगा दोस्तों, फरवरी का पहला दिन आ जाएगा। सोमवार में 3 दिन जोड़िए, एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार जो हो जाएगा, दूसरा दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बुधवार, और तीसरा दिन दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो
आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ, इसमें लिखने वाली कोई जरूरत नहीं, लिखने वाला कोई बात ही नहीं है। देखिए कुछ नहीं, 1 जनवरी को क्या कह रहे हैं, यानी जनवरी का प्रथम दिन क्या है, 1 जनवरी को सोमवार है। जनवरी में बचा कितना दिन दोस्तों, 30 दिन बच गया। अब फरवरी में कब पूछ रहा है, 1 फरवरी को, एक दिन, ये टोटल दिन कितना हो जाएगा जोड़ने पे, 31 दिन हो रहा है। 31 को 7 से भाग करिए, 7 चौक 28, ओरल कर सकते हैं, बचा 3 दिन। सोमवार में दोस्तों क्या कर देंगे, सोमवार में प्लस 3 दिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उसमें जरूर शेयर किया करिए। और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब करके जुड़ ही जाए, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन का सिंबल बनता है दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि डेली आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अक्षर का, देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। ये दोस्तों एक अक्षर श्रृंखला है और इसमें लुप्त यहाँ पे अक्षर है, यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, लुप्त पद है, कह लीजिए लुप्त अक्षर है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पर आपको बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप दोस्तों अक्षर श्रृंखला को देखेंगे, क्या है, केपी है, एलओ है, एमएन है, एनएम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे, ठीक है। तो देखिए इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, देखेंगे कैसे ये आगे बढ़ा है। तो देखिए, देखिएगा के बाद क्या है दोस्तों, एल, एक एक अक्षर देखिए, सबका पहला अक्षर, ठीक है। के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या होगा दोस्तों, ओ, ठीक है, ओ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पी के बाद क्या है दोस्तों, ओ, यानी पी के बाद नहीं आता है, पी के पहले क्या आता है, ओ आता है। ओ के पहले क्या आता है दोस्तों, एन आता है। एन के पहले क्या आता है दोस्तों, एम आता है। एम के पहले क्या आता है दोस्तों, एल आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ एल हो जाएगा। ओ एल किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों लास्ट में आपको पंचम पब्लिशर के बुक के बारे में भी बता दूंगा, जो नए स्टूडेंट है वो जरूर देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। और पांचवा क्वेश्चन के बाद छठा जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, उसका जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आज का जो प्रश्न आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए, तो उसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपयुक्त संख्या आएगी। देखिएगा ये जो प्रश्न दिया गया है, कहाँ पे इस पे प्रश्न चिन्ह है, तो देखिए लास्ट वाले यहाँ पे सर्कल में, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहे हैं ना, यहीं पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जब प्रश्नवाचक चिन्ह, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सेकेंड वाले में 32 कैसे है, फर्स्ट वाले में 27 कैसे है। जैसे यहाँ पे दोस्तों 27 और दूसरे वाले में 32 आया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम तीसरे वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह पे भी वो संख्या लाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको बता रहा हूं। पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए। तो देखिए मैं बता रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करना है, पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आप अपने आप से कोशिश कर लेंगे फिर देखेंगे। देखिए यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए 27 कैसे लाना है, ये जो 7 है, 5 है, ये 5 है, 3 है, इन्हीं को दोस्तों हमें कुछ करके यहाँ पे क्या लाना है दोस्तों, 27 लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर जो दोस्तों मैं बोलूँ आप जोड़िए, 7 5 क्या हो जाएगा, 12, 12 5 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, 27 नहीं हुआ। अगर जो इससे बोलूँ दोस्तों 9 6 15 15 5 20 20 3 23, यहाँ पे 32 है, नहीं हो रहा है ना। जब ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ करना कैसे। देखिए ये 5 है, ये इसके सामने क्या है, 3 है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 3 15 हो जाएगा। और 15 में क्या करना है दोस्तों, ये 7 है और ये 5 है, इन दोनों को जोड़ देना है। 15 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27, और 27 देखिए बीच में दिया हुआ है। यानी प्रश्न आपको समझ में आया, क्या करना है, 5 में ये दो आमने सामने है ना, ये 5 ये 3, और इसको आपस में गुणा कर देना है, और ये दोस्तों जो 7 और 5 है इसको जोड़ देना है, 5 ये 15 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। यानी 15 5 20 27 ऐसे, ठीक है।
इसी प्रकार से क्या करना है आगे देखेंगे हो रहा है कि नहीं। 6 × 3 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32, और 32 देखिए यहाँ पे आपको बीच में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका प्रश्न पूछ रहा है उसका भी आंसर करेंगे। 8 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 × 4 करेंगे तो 8 × 4 = 32 हो जाएगा, और 32 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 35, और 35 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा दोस्तों बीच में 42 होगा। 42 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिएगा, ये दोस्तों ये आज का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है कमेंट करके बताना है। प्रश्न आपके सामने है और चारों ऑप्शन भी आपके सामने है, इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो दोस्तों आपको थोड़ी सी भी इसको आंसर करने में प्रॉब्लम होती है तो रीजनिंग का जो पिछला पार्ट है दोस्तों, तीसरा पार्ट है, उस पार्ट को आप क्या करेंगे जरूर देख लेंगे, उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसका आंसर सही होगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, इसी बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अफेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया। दोस्तों पंचम पब्लिशर इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, पंचम पब्लिशर के कस्टमर केयर नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर लीजिएगा। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा, उसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।